हम शुरू करते हैं आज आपकी वर्कशीट नंबर 8। इसमें ऊपर ये SST की वर्कशीट आई है, जबकि इसी के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, ठीक है। इसके अलावा मैंने पिछली वर्कशीट्स में आप लोगों से पूछा था कि बेटा मैं एक साथ बनाऊँ कि अलग अलग, तो आप लोगों ने कहा, मोस्टली बच्चों ने ये कहा कि मैम आप एक साथ ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं आप लोगों की बात मानते हुए ये दोनों वर्कशीट एक साथ ही बनाऊँगी, तो आप लोग ले लेंगे। इसके अलावा सेम ऐसी हिंदी मीडियम की भी आई है, तो उसको भी मैं साथ के साथ अपलोड कर रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, SST डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, अपना नाम, वर्कशीट और इसके अलावा डेट और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग डाल लेंगे। आज हमें चैप्टर 2 पढ़ना है, क्या, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सब्जेक्ट सब टॉपिक क्या है जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के उसके ऊपर हम पढ़ेंगे कि भेदभाव क्या होता है, किसे कहा जाता है। देखिए इस पिक्चर में आप साफ देख सकते हैं कि सारे बच्चों को गुरुजी ने या टीचर्स ने क्या करा है, चार उस पर बैठा लाया है, दरी पे या मैट, चादर, जो भी आप कह लें उस पर, जबकि इस बच्ची को अलग बैठाला गया है। क्यों? क्योंकि ये आपकी रूढ़िवादी सभ्यता है। ये हो सकता है ये लड़की किसी नीची जाति की हो सकता है ये लड़की बिना पढ़े लिखे ख़ानदान की हो, बाकी सारे बच्चे हो सकता है ऊँची जाति के हों, या हो सकता है ये पढ़े लिखे ख़ानदान के हों, क्योंकि पुराने ज़माने में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा भाव दिया जाता था कि आपकी जाति ये है, मेरी जाति ये है, मैं ये हूँ, आप वो हैं। इसी के चलते लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाना पसंद नहीं करते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह थी, ठीक है। अब क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंड व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजस्ट और सेटिस्फाइड, यानी कि अब क्या बोलते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है, जब हम किसी इंसान को पहले से ही जज कर लें कि अरे नहीं नहीं ये इंसान तो बहुत बुरा होगा, चाहे वो कितना अच्छा है, हम उनसे मिले तक नहीं है, फर्स्ट टाइम मिलते हैं और पहले ही जज कर देते हैं, बात तक नहीं करते और जज कर लेते हैं, अरे ये तो ये है, इसका मतलब ये तो ऐसे ही होगा, है ना, तो उसको कहते हैं। अब आगे क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, If you stop them to take from taking part or in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in the certain neighborhoods, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or don't allow them to drink tea in the same cup or glasses as other, you are discriminating against them। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो हमने पूरा इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ा, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी इंसान को अपने से नीचा दिखाते हैं, या कुछ एक्टिविटीज़ है जिनको उसे करने से रोकते हैं, जैसे कि बराबर की जॉब नहीं देते हैं, या अपने बराबर में नहीं रहने देते, अपना पड़ोसी नहीं बनाना चाहते हैं, या उन्हें सेम कुएं से या सेम हैंडपंप से पानी नहीं पीने देना चाहते हैं, या एक जैसी कप में या ग्लास में चाय नहीं पीने देना चाहते हैं, तो ये हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग कर रहे हैं, यानी भेदभाव कर रहे हैं, ठीक। ये सब चीज़ें देखिए आपको सिर्फ इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको पता चले कि हमारा पहले का भारत किन किन परेशानियों से, किन किन समस्याओं से जूझ के निकला है, ठीक। आजकल ये चीज़ें आपको बहुत बहुत कम देखने को मिलेंगी, कोई बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात का अगर कोई गांव होगा तो वहाँ तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल भी सकती हैं, वरना आजकल ये सब चीज़ें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात पुराने ज़माने की करें तो वहाँ ये ज़रूर हुआ करता था कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम अपने कुएं से किसी भंगी को या किसी झाड़ू देने वाले को या किसी शूद्र को, जो नीची जात के लोग हुआ करते हैं, आप लोग देखिए डोंट माइंड, आप लोग मान ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे, ओके, आप लोग इन चीज़ों को दिल पे भी नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे समझाना फ़र्ज बनता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हुआ करते थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अब ये हो सकता है ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये सारे ब्राह्मण के बच्चे हो, ये जो बच्ची है ये किसी शूद्र की बेटी हो, इस वजह से ये जो मतलब जाति भेदभाव हुआ करता था पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा, ठीक। जो अमीर पंडित ब्राह्मण इस टाइप के लोग हुआ करते थे ना, वो अपने कुएं से पानी भी नहीं पीने देते थे, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी पहले बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में। अब ये चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे सही हुआ, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग सिविक्स की यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस वाली, राजनीतिक विज्ञान वाली जो कॉपी है, आप लोग उसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, देयर कैन बी वेरियस रीज़न, यानी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं फॉर वन डिस्क्रिमिनेशन सच एज, यानी किसी के साथ भेदभाव करने के, जैसे कि कास्ट यानी वो किस जाति से बिलोंग करता है, ठीक है। जेंडर यानी कि वो क्या है, लड़का है कि लड़की, आप लोग देख सकते हैं कि क्या
पापा ने कहा, लड़का हुआ 18 का, पापा ने कहा ठीक भैया तुम मोबाइल ले लो, लेकिन अगर बेटी हुई तो कहेंगे नहीं नहीं अभी नहीं, अभी क्या काम है तुम्हें मोबाइल का। ठीक, ये मतलब देखिए ये सब चीज़ें आपको अभी नहीं मिलेंगी, ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने में ज़्यादा होती थी, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल चाहे लड़का हो चाहे लड़की सब बराबर है, बल्कि लड़कियाँ तो आजकल लड़कों से ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है ना। लेकिन फिर भी हमारा हिंदुस्तान ना पूरी तरह से बदल चुका है, ये एक नया भारत है जिसे आप देख रहे हैं, वो भी किसकी बदौलत, भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत। हम मज़हबी लिहाज से भी करते हैं भेदभाव कि अच्छा तुम ईसाई हो, अच्छा तुम हिंदू हो, आओ तुम मुसलमान हो, है ना। लेकिन क्या है, ये सब चीज़ें हम आपस में नहीं करते, ये लोग कभी कदार पॉलिटिशियन लोग ये सब करते हैं ताकि हम आपस में लड़ें और उनका वोट बैंक बने। लेकिन कभी आप नहीं देखेंगे कि कोई हिंदू या कोई मुसलमान या कोई सिख या ईसाई आपस में जाति को या भेदभाव को लेकर लड़ रहा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड यानी इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, आप किस जगह से हो, ठीक है, या आप कौन सी भाषा बोलते हो, या आप क्या काम करते हो, आपका पेशा क्या है, कौन सी जॉब करते हो, इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम लोग भेदभाव करते थे पहले ज़माने में। अब ये जो आपको चित्र दिख रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इन्हें जानते होंगे, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं जो 1891 में पैदा हुए थे, यानी उनका जन्म हुआ था, और 1956 में उनकी डेथ हो गई थी यानी मृत्यु हो गई थी। इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इनको हम भारतीय संविधान का पिता कह के बुलाते हैं, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा, डॉक्टर अम्बेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल्स, यानी वो लोगों के हक के लिए लड़े। ही वॉज बॉर्न इन टू द महर कास्ट, यानी अब वो जो है कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे, महार से, ठीक है, which was considered untouchable, जिसको ये माना जाता था कि ये लोग छूत होते हैं, छूत अछूत की बात हुआ करती थी पहले ज़माने में कि आप मेरी चीज़ नहीं छू सकते, इस तरह से। द महार्स वर पुअर, यानी जो महार्स हुआ करते थे वो गरीब हुआ करते थे, ऑन नो लैंड, यानी उनके पास अपनी कोई भी ज़मीन नहीं होती थी, एंड देयर चिल्ड्रंस ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड, यानी इनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जो इनके बाप दादा यानी लोग करते आ रहे थे पुराने लोग। दे लिव्ड इन द स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज, यानी इनको गांव के अंदर, जैसे अभी आपका गांव है ना, इसमें नहीं रहने दिया था, इसके इर्द गिर्द की जो जगह होती थी ना ख़राब सी, उसमें रहने को दिया जाता, जैसे अब आपका दिल्ली है मेन, तो ये आपका दिल्ली है मेन, उसके इर्द गिर्द की जो जगह है वो दिल्ली NCERT में आती है, आती है नहीं आती, तो अब क्या आपसे ये कहा जाएगा कि आप दिल्ली में नहीं रह सकते, आप दिल्ली NCERT में रहो जाके, क्यों, क्योंकि दिल्ली जो है वो बहुत अच्छा इलाका है, यहाँ तुम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी, आजकल ऐसा कुछ नहीं, आपका जहाँ दिल चाहे वहाँ रहो, जहाँ दिल चाहे आपकी ज़मीन खरीदो, घर बनाओ, फ्लैट बनाओ, जो दिल में आया करो, है ना, जहाँ दिल चाहे आप पढ़ो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। क्या लिखा है, एंड वर नॉट अलाउड इट इन टू द विलेज, और उनको गांव के अंदर रहने की कोई इजाज़त या परमिशन नहीं थी। ही वॉज अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, और अम्बेडकर जी ने इसी भेदभाव के लिए लड़ाई लड़ना शुरू की कि नहीं, हम सब इक्वल हैं, जब हम एक साथ एक ही जगह पे हमने जन्म लिया है, हमारा जन्म लेने का तरीका है कि हम खाना एक जैसा खाते हैं, हम पीते एक जैसा हैं, तो क्या ज़रूरत है कि आप हमें अलग कर रहे हो, क्यों, किस वजह से आप हमें अलग कर रहे हो, सिर्फ हमारे काम की वजह से, या हम गरीब घर में पैदा हुए हैं इस वजह से। भाई कौन किस घर में जन्म लेता है ये तो गॉड को पता होता है ना, या आपको पता है, बताइए, आप एक अच्छे घर में पैदा हुए हैं तो वो भगवान की वजह से ना, भगवान ने आपको इतने अच्छे मम्मी पापा दिए। और अगर कोई बच्चा बेचारा ऐसे घर में पैदा हुआ है या ऐसे घर में जन्म लिया है उसने, जहाँ पे उसके मम्मी पापा मान लीजिए लेबरी करते हैं, यानी लेबर्स हैं वो लोग, और उसको भी लेबर बनना पड़ रहा है, फिर भी वो मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, तो ये उसका नसीब है ना, ये उसको गॉड ने दिया है, और फिर भी वो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, तो वो उसका स्ट्रगल है ना, इसी तरह से। लेकिन देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, आप गरीब घर में पैदा हुए हैं ये आपकी गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब घर में मर रहे हैं तो ये आपकी गलत बात है, यानी आपको पढ़ना है, लिखना है, कामयाब होना है, आपको अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी अच्छी ज़िंदगी देनी है। आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे कामयाब हो जाएंगे, फिर आपके पास अच्छी से डिग्री होगी तो आपका घर भी अच्छा हो जाएगा, फिर आपके पास सब कुछ होगा तो आपके मम्मी पापा भी तो खुश होंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है और आगे चल के कामयाब होना है। तो इसी के खिलाफ, यानी ये जो ये भेदभाव था, इसी के खिलाफ अम्बेडकर जी ने लड़ाई को शुरू करा, एंड बिगिन हिज स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, और उनकी जो स्ट्रगल था वो इक्वलिटी के ऊपर था, यानी सबको समानता का अधिकार दिया जाए।
अब देखें यहाँ आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है, व्हाट आर रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों से हम किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आप कि देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर वंस डिस्क्रिमिनेशन सच एज, यानी हम किसी के साथ भेदभाव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्या क्या, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड या लैंग्वेज और ऑप्टिकेशन, यानी वो क्या काम कर रहे हैं, किस कौन सी भाषा बोलते हैं, इस तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी के साथ भेदभाव करने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिता किन को कहा जाता है। देखिए ये आंसर यहाँ लिखा हुआ है, चलिए फिर भी हम आंसर देख लेते हैं एक बार। देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डू यू सी अराउंड योर सेल्फ एक्सप्लेन, यानी आप अपने इर्द गिर्द किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं उनको लिखिए। तो इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद वर्कशीट आपकी जो इंग्लिश की आई है वर्कशीट नंबर 8 उसको पढ़ लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल हमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता, बहुत कम सा ही ऐसा होता है कि हमें कभी कोई भेदभाव देखने को मिले। लेकिन अगर हम बात करें तो आज हमें ऊंचे लेवल पे भेदभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि इवन टुडे, यानी आज के दिन हम सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, यानी कि अगर कोई गरीब आदमी कुछ गलत करता है तो उसको सज़ा दी जाती है, ठीक है, लेकिन अगर कोई अमीर आदमी कोई गलत करता है तो उसको सज़ा नहीं दी जा रही है, वो बच जाता है। इसी तरह से देखिए ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल की बात है, अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है किसी को बुरा लगे और हो सकता है कोई हमसे नाराज़ भी हो जाए, है ना। इसीलिए आप सिंपल सा बस ये आंसर लिख लेंगे कि आजकल जो हमें भेदभाव देखने को मिलता है वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल ही देखने को मिलता है, ठीक है, वो भी कुछ जगहों पर, हर जगह पर हमें देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब इंग्लिश की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 8, ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है तो मैं इसे बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ क्या है। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपने सब्जेक्ट टीचर का, आप देखिए यहाँ लिख के आता है क्लास टीचर का नाम, कभी लिख के आता है सब्जेक्ट टीचर का नाम, तो जैसा यहाँ लिखा हुआ करिए आप लोग वैसे ही नाम ले लिया करिए, क्योंकि मैं एकदम से फ्लो फ्लो में बोल जाती हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख लेंगे जिसका भी लिखा होता है आप उसका ही नाम लिखेंगे, इसके अलावा सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम और वर्कशीट नंबर आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या करेंगे, यहाँ लिखा है लेट्स हैव फन विद कलर्स, यानी आज हम कलर्स के साथ मजे करेंगे। तो क्या लिखा है, रीड द पोएम ब्लो एंड अंडरलाइन द नेम ऑफ कलर्स। अब आपको ये नीचे जो पोएम दी गई है इसको पढ़ना है और जहाँ जहाँ कलर्स के नेम आते हैं आप उसको अंडरलाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ग्रीन इज पैरेट, तो यहाँ पे कलर्स का क्या नाम हो गया, ग्रीन, आप ग्रीन को अंडरलाइन कर देंगे। येलो इज सन, तो क्या हो जाएगा, येलो। ब्राउन इज ब्लैक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्राउन। रेड इज रोज, तो रेड, ठीक है ना, जहाँ कलर्स नेम आ रहे हैं आपको सिर्फ उसको अंडरलाइन करना है। ऑरेंज इज कैरेट, तो किसको कर देंगे, ऑरेंज को। पर्पल इज पान, तो किसको कर देंगे, पर्पल को। ब्लू इज शार्क, तो किसको कर लेंगे, ब्लू को। ब्लैक इज हॉर्स, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको अंडरलाइन करके दे देती हूँ, यहाँ आप करेंगे ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, ब्लू, येलो, रेड, पर्पल, ब्लैक, ठीक है। तो सेम आप लोग इसे इसी तरह से कर लेंगे, बस आपको लिखना है और अंडरलाइन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, यहाँ लिखा है रीअरेंज द लेटर टू गेट द नंबर और गेट द नेम ऑफ दिस कलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो आपको दिए गए हैं ये किसी ना किसी कलर के नेम है, आपको ये रीअरेंज करके लिखना है कि ये कौन सा कलर है। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये आपका गलत सलत लिखा हुआ है जंबल वर्ड से ना, तो ये आपके उल्टे सीधे लिखे हैं, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, मैजेंटा कलर, ठीक है। इसके बाद ये आपका ऑरेंज हो गया है, ये आपका पीच हो गया है, और ये आपका ब्लू, ये वाला येलो और ये वाला रेड। तो इस तरह से मैंने सारे कलर्स आपको दिखा दिए, अब आप लोग इसे अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन याद दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट लेटर्स। अब आपको ये भी कलर्स नेम है लगभग, ठीक है, तो आप लोग इसे करेंगे और करेक्ट लेटर से आपको इसे भरना है। चलिए तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं कि ये क्या है। इसमें पहला और पांचवा जो है, देखिए इस तरह से लिखा ना, ये पर्पल है और पांचवें नंबर पे जो है ये आपका कौन सा है, वाइट है।
अब आपका दूसरे और चौथे नंबर पे जो बन रहा है वो बन रहा है ब्लैक एंड ग्रीन। तो देखिए आपको ऐसे जगह खाली दी गई है ना, तो मैंने ये दोनों तरह से पूरी स्पेलिंग्स भी लिख दी हैं और वैसे गैप वाली भी लिख दी हैं। तो आपको जो अच्छे लगे, जहाँ से अच्छे लगे आप लिख लें, ताकि आपको आसानी रहे इसलिए मैंने बता दिया, नंबर भी डाल दिए मैंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप लोग इसका सिर्फ थर्ड नंबर पर बनेगा ब्राउन और सिक्स नंबर पर बनेगा पिंक, तो आप लोग इसे भी लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नाउ लेट अस रीड एंड कलर। अब आपको इसे पढ़ना है और कलर करना है। तो देखिए यहाँ आपको एक बहुत खूबसूरत सी ड्राइंग दी गई है, जिसमें यहाँ पे सन बना है, क्लाउड्स यानी बादल हैं, बेंच है, काइट है यानी पतंग, इसके अलावा बटरफ्लाइज हैं, फिश हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपके ये लोटस के थोड़े से ग्रीन लीव्स हैं और यहाँ पे कुछ लोटस भी हैं, बेंचेस हैं और ये पीछे पूरी आपको ग्रीन ग्रास दी गई है। इसके अलावा ये थोड़ा सा फुट टाइप का दिया गया है, तो इसे भी आप ग्रीन कलर कर सकते हैं। ये क्योंकि फ़िश है, पाउंड टाइप का दिया गया है, तो यहाँ पे आप ब्लू कलर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत खूबसूरत सी एक ड्राइंग दी गई है जिसे आपको बनाना है। इसके अलावा यहाँ पे इस अकॉर्डिंग से आपको इसको कलर करना है। देखिए क्या लिखा है, द सन इज़ येलो एंड द क्लाउड इज़ वाइट। अब आपको जो ये सन है इसको येलो करना है और क्लाउड को वाइट ही छोड़ देना है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है, देखिए द फिशेज आर ऑरेंज एंड येलो। अब यहाँ पे जो मछली दी गई है इसमें एक आप ऑरेंज कर देंगे, एक को येलो कर देंगे। द वाटर इज़ लाइट ब्लू एंड द ब्रश आर ग्रीन्स। ठीक है, तो अब आपको जो ये वाटर दिया गया है ये लाइट ब्लू कर देंगे और जो यहाँ पे ये दिए गए हैं इसको आप ग्रीन कलर कर देंगे। द बेंचेज आर ब्राउन एंड द ग्रास इज़ ग्रीन। ठीक है, अभी आपको जो दो बेंचेस दी गई हैं इसको आप ब्राउन कलर करेंगे, जबकि पीछे ये जो घास दिया गया है इसको आप ग्रीन कलर करेंगे। आप देखें यहाँ फिफ्थ नंबर का क्या लिखा है, द बटरफ्लाइज आर येलो एंड ग्रीन। अब जो आपको ये बटरफ्लाइज दी गई हैं, देखिए दो बटरफ्लाई हैं, एक ये एक ये, तो एक को आप क्या करेंगे येलो करेंगे, एक को आप क्या करेंगे रेड करेंगे। ठीक है, अगला क्या लिखा है, देखिए सिक्स नंबर पे द लोटस इज पिंक एंड लीव्स आर डार्क ग्रीन। अब ये लोटस जो है इसको आप क्या क्या करेंगे, पिंक करेंगे और जो इसके नीचे ये वाला है इसको आप क्या करेंगे डार्क ग्रीन करेंगे। ठीक है, काइट इज रेड येलो ऑरेंज एंड ग्रीन। अब देखिए ये जो आपको काइट दी गई है इसमें देखिए, और ये देखिए एक दो तीन चार, ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर ही आ रही हैं, तो आप इसको चारों कलर से कर देंगे, जो कलर आपको अच्छा लगेगा जहाँ पे करना उसको आप उस कलर से वहाँ कर देंगे। क्या लिखा है, द स्काई इज़ लाइट ब्लू। उसके बाद ये जो आपको पीछे का सारा एरिया दिया गया है ये सारा आपका आसमान है ना ये सब, तो इसको आप कैसे कलर का करेंगे, लाइट ब्लू कलर का करेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये आपका सारा हो जाता है। अब ये आपका ये वाला हिस्सा बचेगा, इसको आप लाइट ग्रीन चाहें तो कर दें और चाहे तो लाइट ब्राउन कर दें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस तरह से ये वाली वर्कशीट आपकी यहाँ खत्म होती है। आज की वीडियो में बस इतने, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।